माता दी, आरआई स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से, आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। राजधानी रांची के चंद्रशेखर आजाद क्लब के पंडाल का उद्घाटन बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और आरसू के अध्यक्ष सुदेश महतो 19 अक्टूबर को करेंगे। चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से कल से प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम लोगों ने निमंत्रण दिया था, पूजा का कल शुरुआत हो रहा है। कल से हम लोग माता का यहाँ पट का उद्घाटन होगा, पंडाल का उद्घाटन माननीय दीपक प्रकाश जी, आशा लकड़ा जी और माननीय सुदेश महतो जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आप सभी को कल शाम 6 बजे फिर से हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी बंधु आएँ। हमारे जो गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जब माता का पट का अनावरण किया जाएगा, उसका उसमें सम्मिलित हो और हमें अपने पंडाल के बारे में आपको फिर से बताने का मौका दे। ये पंडाल के उद्घाटन के बाद दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा माता के 9 रूपों का नाट्य मंचन द्वारा प्रस्तुति किया जाएगा और भारत माता के थीम पर एक बेहद ही आकर्षक कार्यक्रम है, जो कि देर रात 10 बजे तक चलेगा। षष्ठी के दिन हम लोगों ने उज्जैन से भजन संध्या गायक गजेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया है, उनका भजन संध्या का आयोजन है। लेकिन हमारे एक मित्र और भाई के द्वारा बिहार से जो हैं वहाँ के चर्चित चेहरे हैं युवराज सुधीर सिंह, वो आ रहे हैं। उनके साथ बिहार के 4 नामी भोजपुरी गायक, जिसमें निशा उपाध्याय जी, शिव कुमार बिक्कू जी, छोटू चिंगारी और प्रिया सिंह का भी कल यहाँ भजन संध्या में उनका भी भजन संध्या होगा। आप सभी से आग्रह होगा कि उसमें आप आएँ, उनको कवरेज दें और हमारे जो चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा का जो भक्तिमय माहौल बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका भी साथ और सहयोग का जरूरी है। सप्तमी को बनारस के पुरोहितों के द्वारा गंगा आरती एवं डमरू आरती का प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ पर भव्य तरीके से किया जाएगा, उसमें भी आपको हम लोग सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सभी प्रेस के बंधुओं को लगातार यहाँ हम लोग भक्तिमय माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो हमारा ये पंडाल देख रहे हैं, ये सनातन धर्म और देशभक्ति दोनों के थीम पर है, जिसमें कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू होने का गर्व महसूस करें, आप अपने धर्म को जानिए। इसलिए अनेकों स्लोगन लिखे हुए यहाँ पर, माता के भव्य प्रतिमा भी लगाया गया है, भोले बाबा का त्रिशूल लगाया गया है, बाहर में बड़े शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि कल प्रत्येक दिन यहाँ पे महाकाल के तर्ज पर जो उज्जैन में जिस तरह महाकाल में श्रृंगार होता है, उस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन शाम को यहाँ श्रृंगार हो और आरती हो। आप को यह भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक भारत माता का बहुत बड़ा मानचित्र भी ऊपर लगाया गया है, जिसमें कि देशभक्ति की भावना है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। नीचे में भारत का एक बड़ा सा नक्शा लगाया गया है, जो भारत का मानचित्र है। पंडाल के अंदर एक कमल फूल का भी निर्माण किया गया है, जो कि बेहद ही आकर्षक है। बंगाल के कारीगरों द्वारा जो पंडाल निर्माण किया गया, उसमें एक बेहद आकर्षक हम लोग को जो प्रतिमा दुर्गा जी का इस बार बनवाए हैं, वो बंगाल से लाए हैं और लगेगा कि आपको अष्टधातु की मूर्ति है। उसमें किसी भी तरह का कपड़ा का कोई भी यूज नहीं किया गया है, वो सिर्फ मिट्टी से बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया है, जो कि एक बेहद ही कल जब पंडाल का पट खुलेगा तो वो देखने वाला एक ये होगा। हम शहरवासियों से कहना चाहेंगे कि आप यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए, आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी सुगमता से आपके दर्शन कैसे हो,
कोई भी बुजुर्ग हो जो कि चाहते हैं कि भीड़ में हम ना जाएं, उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था किया है। दिव्यांग हो, चलने में समर्थ हो, किसी भी तरह का जो कि भीड़ को देख कर नहीं आना चाहते होंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप आएँ और हमारे पूजा पंडाल के जो मंच बन रहा है वहाँ पे संपर्क करेंगे। हम आपको सुगमता से अपने साथ ले जाके हम लोग आपको माता के दर्शन कराएंगे और एक भक्तिमय माहौल, एक देशभक्ति के जज्बे को यहाँ हम लोग उभारने का काम करेंगे आप रांची शहरवासियों के बीच में। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।